उनके मां तुम भैबी तो न सो न सोन दो न चैन दो सोले बार मात खाए बैठे न ग्वालम ते जरासंध ने दुखी है कि कई दादा कालिया बन का बताए देखियो ऊपर देखियो नजर करियो ऊपर टीला पे देखियो सामने का है कि दो बालक ठाणे ना तो कि जे दो दिख रहे तुम्हें आहा कि जे गोरो सो हतुका जी तो उन्हें का सूदो है ओ असली जरत जे मसना है जे करुआ है। दादा मेरी तो समझ में ही ना पावत की कि जाके उमरिया में दांतेदार पैया आ जा तो पूरी सेना कटी दी थे कालिया बन की ऐसो घबड़ा में मत तू जाके मां भाभी था तो देख गोरे से तो लड़ लिए तू और कारे से लड़ लूंगा मैं तो कालिया बन आगे के बढ़ गए ये रंभा का पुत्र था भाइयों आगे बढ़ा तब गाय लड़के छोरे कन्हैया तो इतनी कहता है तेरो नाम कृष्ण है भगवान कन्हैया बोले नाम तो हमारो ही है तो लड़े हो तेने मेरे मित्र को बहुत परेशान किया है। योगी राज कहने लगे हमारी तुम कोई लड़ाई ना है खेत हार बांटना है लेकिन तुम उनकी मदद के लिए आयो फिर जब बात मोहत कर रहे हो कल लड़ेगो तो लड़ू लेंगे सो काले वाले आगे के हाथ बढ़ा दो पलंग पे योगी राज कन्हैया ने बढ़ा लेकिन हाथ से हाथ नहीं मिलने दिया काले वाले आगे बढ़ा भगवान पीछे हट गए काले वाले और आगे बढ़ा कन्हैया दो कदम पीछे हट गए काले वाले कही क्यों रे लड़बाऊ चातू है और पीछू हट जातो है का तेरी मेहतरिया जय सिखाओ भगवान कन्हैया ने विचार किया कि ऐसी बात जाते क्योंकि जाके कलेजाम पाल लिख जाए योगी राज कहने लगे क्यों इतना तो हम बलुआ जा हाथी जैसी काया ले डोल लो है तो वो पकड़ ना ले आ जा मैं तो अब तुम भजे के पकड़ ले तो अपनी हार मान लूंगा अन्न पकड़ पाप है तो तू भी हार मान के चलो जी सोई कुछ ज्यादा बोलो आएगो कालिया बन ले नेक बालक को मोती कह रहे हो जी बात है भाई यो ध्यान रखना जैसे लंबी बाय करी तो भगवान कन्हैया एक पर्वत की कंदरका में जाकर के धुबक गए थे जहां पर एक महापुरुष हो रहा था भगवान पीछे भाग कालियावन पीछे भाग था रहा अपनी पीतांबरी लेकर महापुरुष को उड़ा दी थी और धुबक गए कालियावन पीछे थे आओ देख लो भैया नेको सो बालक हुए हैं ओ कितनी जय बुद्धि है जय बात है खूब जानते हो कि सोवत भैया कोई मात तो ना है सोवत भैया कोई मात तो ना है भाइयों ध्यान रखना ना मैं तो जी तो मत बड़ो लूट लूंगा मैं ना ले रोजे हमारी बहन है और रामनरेश भैया की बहन है वो हमारी भी बहन है रश्मि यादव 51 रुपए से बहन हमको सम्मानित कर रही है हम तो कामना यही करेंगे हे जाहर पीर बाबा मेरी बहन के घर धनधाम से भरपूर रहे रास बिहारी गोपाल की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राजन परिचित लेकिन कालियावन बोला कि लड़के बिन मारे नहीं जाऊंगा तैने मेरे मित्र को बहुत परेशान किया है भाइयों ध्यान रखना चरण का प्रहार किया समय ज्यादा है वो चरण का प्रहार किया उस महापुरुष के दोनों नेत्र खुले हैं वो क्रोध भरी ज्वाला और जिस समय कालियावन के ऊपर पड़ी है सुई जल करके राम नाम सत्य है। इधर मुचकुंद जी से आमना सामना योगी राज का हुआ
उस मधुर जटा का दर्शन मुचकुंद जी ने किया है। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर बलराम जलासंध का युद्ध चल रहा था। एक पर्वत पर योगी राज कन्हैया खड़े हैं, तो भगवान कन्हैया ने जरासंध से कहा, दाऊ भैया थोड़ी देर के लिए युद्ध को रोक दीजिए। और इतगुआ भाइयों ध्यान रखना, बलराम एक पर्वत पर चढ़ के आए जहां पे कन्हैया खड़े हैं, तो जरासंध अपनी युक्ति बना रहा है और कन्हैया अपनी युक्ति बना रहा है। कैसे? आरे पर्वत ऊपर इकट्ठा किया और पर्वत के चौथरबा आग लगवा दी थी। कुन्ने जरासंध ने काय के लाए कि दोनों भैया आग में जल के तो मत जाने। अरे आग लगी जब पर्वत में युद्ध सोची रहे योगीराज कन्हैया की जिस समय काशी में पहुंची है,
गरुड़ का वास काशी में और पीपल के वृक्ष पे था। अरे जब माधव की तेरा सुनी नहीं गरुड़ा ने तेरा लगाई रे और पीपल को जाने पेड़ तजो और कहो मथुरा तेरा ही रे। आगो भगवान कन्हैया को हेलीकॉप्टर गरुड़ के पंखों से हवा तूफान बनकर चल रही थी। जैसे ही पंखों से हवा चली धुआं घुमड़ा और कृष्ण बलराम थाने पर्वत पे और इतना अग्नि ने जोर भरो तेरा करी नहीं बिना दास तने योगीराज कन्हैया बलराम गरुड़ की पीठ पे बैठ के आकाश मार्ग से होकर के गुजर रहे थे।
भी करू न रो